सर्दियों में कथित तौर पर 203 बेघर लोगों की मौत पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ है। मामले पर आज भी हंगामे के आसार हैं। दिल्ली विधानसभा का पहला दिन हंगामेदार रहा। बीजेपी विधायकों ने सर्दियों में कथित तौर पर 203 बेघर लोगों की मौत पर सीएम अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा। मामले को सूचीबद्ध नहीं होने का हवाला देकर चर्चा से इनकार कर दिया गया, लेकिन विधायक मांग पर अड़े रहे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी की नोकझोंक हुई। हंगामा जारी रहने के बाद बीजेपी के 4 विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर कर दिया। विधूड़ी ने सत्र 10 दिन बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर चर्चा की मांग की। जो हमारे रैन बसेरा हैं परमानेंटली जो रहते हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा पगोड़ा टेंट के अंदर सफ़ेद रंग के आप छोटे छोटे टेंट देखेंगे जिसके अंदर हमने रहने के लिए बिस्तर, कंबल, पानी आदि का इंतजाम किया। ये पुलिस के रिकॉर्ड पर है, FIR दर्ज है, बाकायदा इनका पोस्टमार्टम हुआ है और ये पूरा ऑथेंटिक 203 लोगों का डाटा हमारे पास। आज़ादी से लेकर आज तक इतनी बड़ी संख्या में होमलेस लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, तो अरविंद केजरीवाल जिम्मेवारी ले, अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्याग पत्र दे। हंगामा हुआ और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के तमाम विधायक हैं और क्या उनको सदन से मार्शल आउट कर दिया गया, लेकिन बीजेपी विधायकों का ये भी कहना है कि सोमवार को एक बार फिर से जब सदन में पहुंचेंगे तो इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। और दिल्ली सरकार का दावा है कि कई इलाकों में रैन बसेरे की व्यवस्था कर दी गई है। हमारे संवाददाता अंशुमन यादव ने सराय कालेखा स्थित रैन बसेरे का जायजा लिया है। रैन बसेरा कवर्ड है पूरी तरीके से, जहाँ से हवा का आना जाना मुश्किल है क्योंकि ये प्लास्टिक की जो चादर है उससे हवा बिल्कुल नहीं आती और यहाँ पर लगभग 20 चारपाइयाँ या यूँ कहें फोल्डर बिछे हुए हैं और उस पर लगभग सभी लोग आराम से कंबल ओढ़कर सो रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये सभी नींद में हैं और यहाँ पर जो केयरटेकर हैं उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। हमारा फॉर्मेलिटी है सर कि हम आते ही पहले उनकी आईडी लेते हैं, जिनके पास आईडी नहीं भी होती है हम उनको भी सुलाते हैं। और सर हमारे पास 20 बेड है, अभी देख सकते हैं हमारे पास रजिस्टर है, 17 लोग सो गए। और सर हम सबको ब्लैंकेट प्रोवाइड करवाते हैं सर, बाकी बस सर हमारे पास खाने की भी खाने की भी व्यवस्था होती है, खाने पानी की जी खाने भी आते हैं सर। हमने पूछा सर कि आप लोग खाना खा के आए हो, कुछ लोग बोले सर हम खा रखे बाहर से, जो बोले नहीं खा रखे सर हम उनको खाना दे दिए।